पाल लूंगी मैं भी, उसको लेके घूमने चल दूंगी, वो भी काम में कीमती होगा। मैं बिल्ली पाल लूंगी ऐसे करके, गोद में करके उठाऊंगी उसको। श्रीदेवी थैंक यू बोलो। थैंक यू। ये देखो दीदी ने बढ़िया सी आग जला दी, अभी आग जलेगी फिर इसमें मैं आज आग सेकूंगी। थैंक यू दीदी। नहीं नहीं आराध्या ने पहनाया था, दिस इज माई क्राउन। मैं उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी। बट गाइस हम लोग यहाँ आग सेक रहे हैं, ये देखो। हेलो दी, मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम ग्रेस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज पता है इतनी भागदौड़ क्यों हो रही है और कैमरा लेके मैं भरजी के पीछे पीछे क्यों घूम रही हूँ? बिकॉज भरजी आज बना रहे हैं पोहा। उन्होंने बोला तुम कुछ नहीं बनाओगी, मैं बनाऊंगा। मैंने कहा सच्ची? हाँ। जरा पोहे की पैकेट दिखाना। एंड थैंक यू सो मच अंकल मिसचा, आपने मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी गोभियाँ, इतने टमाटर, ब्रोकली दिखाना जरा। इतनी सारी ब्रोकली देखिए खिमेशा ने मेरे लिए इतनी सारी ब्रोकली लग रखी है, उसमें मूले रखे हैं, सलजम रखे हैं, और ये देखिए इतनी सारी बड़ी बड़ी फूल गोभी रखी हैं। थैंक यू। और ये अब भरजी बनाने लगा। भरजी चॉपिंग बोर्ड निकालो, ये है चॉपिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड ये का। अरे ये वाले आप चॉपर में कट कर, वो चॉपर है। चॉपिंग बोर्ड ले लो, एक प्याज ले लो, टमाटर ले लो। इनको रेसिपी मैं बता रही हूँ, बट करेंगे ये खुद। लेके घूमने भागे हम, खाने के समय नाश्ता, जैसे काम धंधे के समय अपना कुत्ता लेके चल दो घूमने। तो खाना कौन बनाएगा घर आके? वो भी तो काम हुआ ना, काम में तो गिनती होगा। अच्छा तो मैं भी एक कुत्ता पाल लूंगी, मैं भी उसको लेके घूमने चल दूंगी, वो भी काम में गिनती होगा। मैं बिल्ली पाल लूंगी ऐसे करके, गोद में करके उठाऊंगी उसको श्रीदेवी की तरह। तो नाश्ता तो मैंने कर लिया है और भरजी ने पोहा जो बनाया था, मैं सब बता रही हूँ, बहुत टेस्टी था। वैसे वो टेस्टी तो बनना ही था क्योंकि बहुत टेस्टी था। और मौसम जो है ना, अभी कोहरा तो हट गया है लेकिन दूर दूर तक कोहरा है। और वो वहाँ पर अगर आपको दिख रहा ना, वो उधर देखो, मेरी माता श्री में दिखाती हूँ आपको। देखिए जिद कर रहा था कि से बाहर घूमना है घूमना है, तो मम्मी ये जो पार्क है मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, हमारे घर से वैसे इतना दूर है, इतना दूर है जहाँ से धुआं आ रहा है वहाँ पे। मम्मी अब मैं जूम कर रही हूँ तो मम्मी यहाँ पे लबों को ले गई है आग सिखाने के लिए, क्योंकि वो घूम रहे रोड में बाहर घूमने, तो वहाँ पे वो लोग ना आग सेक रहे। बाय बोलो, बाय। आ गई पर दरवाजा बंद करना भूल गई, इसे बंद करते। तो काफी है और अभी कुछ काम धाम भी नहीं है, तो मुझे याद आया कि मैं क्या करूँ। तो मुझे पता चला कि मेरा जो टेडी बियर है, ये रहा मेरे बर्थडे का ना क्राउन जो मैंने अपने बर्थडे में पहना था, भाभी ने मुझे पहनाया था, नहीं नहीं आराध्या ने पहनाया था, दिस इज माई क्राउन। मैं उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी, बट मैं सॉरी गाइज, मैं उस दिन का व्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो मुझे याद आया कि मुझे करना है, मेरा टेडी बियर जो है साइड से थोड़ा सा फट गया और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सुबह उसको सिल लेती हूँ। चुकी हूँ रूम पे आके, मैं सबसे पहले अलमीरा खोलूंगी, अपने कपड़े अलमीरा में पैक कर दूंगी, उसके बाद ले लूंगी अपना टैडी जो ना कहाँ से फटा पड़ा, ये फटा यहाँ से, इसको मैं स्टिच करूंगी। अब से ना मैं ऐसे मतलब मटर पुलाव खाने के लिए सोची थी, और वैसे तो मुझे राइस में कम खाती हूँ, लेकिन आज मैंने भरजी को बोला कि प्लीज आप बनाओ। भरजी ने ब्रोकली भी डाल दी इसमें, देखो ब्रोकली भी डाली हुई है और आलू भी डाला हुआ है। अब मटर पुलाव इतना टेस्टी बनाया है ना भरजी ने, और दिख भी इतना टेस्टी था, यम्मी, ऐसे डाल के चले गए दे के चले गए थाली में, मतलब अच्छे से भी नहीं। अभी सैलड और वो भी लेके आएंगे, बटर लेने गए हैं। ऐसा ही बना दे जैसे कि मुझे चाहिए था, टेस्टी और वैसा ही, मतलब ना हमारे यहाँ बुरबुरान कहते हैं वो, टेस्टी है ना, बहुत टेस्टी, आई लव यू, बहुत टेस्टी बनाया आपने आज। सारे इसी में ले आया हूँ, तुम भी चाहिए हो? नहीं नहीं मेरे को बहुत हो गया, बता इतना टेस्टी है, लव यू। आपको कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। गाइस हम लोग यहाँ आग सेक रहे हैं, ये देखो। हेलो दी, मेरे ब्लॉग देख लो, यहाँ पे इन्होंने 2 बजे से आग जलाई और आग खत्म भी हो गई है, पर ये लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, मैं ठंडे से परेशान। और ये बेचारी को टेंशन हो गई कि मुझे कहीं टॉन्सिल ना जाए अपने कानों को सेक रहे, सपना तो मेरे को टेंशन है ना, ना नहीं है। और मैं भी थोड़ी देर आग सेक लेती हूँ, फिर मैं इनका अपराध खुद ही अपने घर में उठा के ले जाऊंगी। इतनी ज्यादा कोहरे की ठंड हो रही है, इतना ठंडा हो रहा है, और यहाँ पे मैंने दयादी को पटा लिया कि प्लीज यहाँ पे इसमें मेरी भी आग जला दो, तो दयादी वहां से लेके आ रही है कोयले और माचिस वगैरह, वहां पे उनकी अपराध है, यहाँ पे मेरा है। दीदी जला देंगी फिर मैं आग सेकूंगी। मंजू दी आ जाओ, आप भी क्या करोगे यहाँ, वहां आ जाओ, यहाँ सेकते हैं। क्या हो रहा है आपकी आंखों से? अच्छा
थैंक यू। ये देखो दीदी ने बढ़िया सी आग जला दी, अभी आग जलेगी फिर इसमें मैं आज आग सेकूंगी। थैंक यू दीदी। हाँ उनको भी दीदी तो एक मंजू दी, पता नहीं कैमरे से क्यों शर्माती है इतना, ये डरपोक है ना ज्यादा। तो मैंने अभी ना बहुत टेस्टी डिनर किया, क्योंकि आज मेरे आज डिनर बनाया था मम्मी ने बनाई थी ब्रोकली, क्योंकि मुझसे कभी भी ब्रोकली अच्छी नहीं बनती। मैं आपको बताया, मैं जब अपने मायके गई थी मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने ब्रोकली बनाई बट उसमें नमक तेज हो गया। और मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि मैंने जब ब्रोकली बनाई थी घर पर मुझसे पता नहीं क्यों टेस्टी ही नहीं बनी, फिर और उसमें पानी भी रह गया था, और मतलब वो बहुत ज़्यादा ना ऐसी पानी भी रह गया और अच्छे से पकी भी नहीं कुछ नहीं। और जब मैं आप जैसे खा रहे थे ना, मैं इसे निचोड़ रहे थे फिर इसको स्क्वीज करके ऐसे हम साइड कर रहे थे फिर खा रहे थे, लेकिन मम्मी ने आज ब्रोकली बनाई थी इतनी टेस्टी थी ना, सच बता रही हूँ मम्मी ने बहुत अच्छी ब्रोकली बनाई थी। और साथ में सब रोटी गरम गरम, मैं इवन बताऊँ तो मैंने एक रोटी एक्स्ट्रा खाई है। अभी मैं थोड़ा सा जाती हूँ फ्रेश हो लेती हूँ, और किचन जो भी होता है वो करके मैं रेस्ट करूंगी। भर्जी देंगे एक गिलास अच्छा से दूध फिर हम सोएंगे। तो आ चुका है मेरा एक गिलास दूध, और दूध लेके मैं चली सोने के लिए। और आज इसी के साथ मैं आज के इस व्लॉग को यहाँ ही ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अब मेरी भर्जी जो है ईयरफोन लगा के मज़े से यहाँ पे मूवी देख रहे हैं। भर्जी फिर मुझे ऐसे देख रहे हैं और कह रहे मुझे कुछ सुनाई नहीं आ रहा मुझे मत देखो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना ऐसे ही प्यार और अपना ऐसे सपोर्ट हमें बनाए रखिएगा।